श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की तो दिनो अचे मो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सब कुछ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही दिया हुआ है ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। जे जे चाहो त बोलिया नता माठ करे रहा जे चाहो आप जो बोलेंगे चाहो मतलब आप जो जो भी बोलेंगे तब तो बोलिया मतलब बुलाएंगे आप जो कहेंगे हम तो वही बोलेंगे तब तो बोलिया वही बोलेंगे आप बुलाते हैं आप कहते हैं तो ही हमसे कुछ बोला जाता है ये भाव हाँ तो हम कुछ बोल रहे हैं तो भी वो उसके पीछे भी आपका ही हाथ है तो आप हमें उसमें सामर्थ्य दे रहे हैं माठ करे रहा नता नहीं तो अन्यथा करे रहा माठ मतलब मौन चुप तो हम तो चुप होकर करके रह जाए आप नहीं बोलवाएंगे तो हमसे तो हमारे पास तो बोलने का भी सामर्थ्य नहीं है हम तो चुप ही रह जाए जी उपाय था दिल में से तोरे के के चुआ जी उप उपजाओ था दिल में आप दिल में जो कुछ उत्पन्न करते हैं हृदय में जो भाव प्रकट करते हैं से उसको तोरे तो आपके बिना के के चुहाँ किसको कहे वो तो आप कोई कह सकेंगे ना आपके अतिरिक्त तो कोई आपने दिखाया ही नहीं है इसलिए हम कुछ बोल ही नहीं सकते हंद ना रखियो के तही जैसे करिया गाल हंद का अर्थ ठिकाना न रखियो के कहीं कहीं भी ऐसा ठिकाना रखा ही नहीं है हम किसी के पास जा करके कुछ कह सके कोई ऐसा है ही नहीं जैसे करिया गाल जिससे हम बात कर सके मैं बात करू जिससे जा करके तो ऐसा कोई है ही नहीं तो देखा रे डिस तो ही जी। तो देखा देखारी आपने देख देखाई दिश तो इंजी दिश और ल दिशा तो आपने अपने दिशा आपकी दिशा आपने ही तो दिखाई है से लखे तो ईजा भाल तो से व लखे तो ईजा भाल तो ये लाखों तो ईजा आपके ये भाल उपकार के लिए ओके किया ये सब ये, ये आपके इसके लिए आपने इतना किया उसके लाख लाख उपकार कितना भी माने तो भी आ, वो हम कुछ मान नहीं सकते तो जो कुछ है वो आपका ही दिया हुआ है मुँह अवगुण डीठा पाए जा मैंने अपने अवगुण देखे तो अपने स्वयं के गुण डीठम पेरी यवगुण तो अवगुण है मुँह मैंने मैं इस तरह से डीठा देखा पाए जा अपना तो ये सारे शब्द पहले से आए हुए ही है गुण डीठम पीरम पीरम पीरियम तो पीरियम ज़्यादातर होता है किंतु तो नीचे रियम है इसलिए ऊपर भी पीरम इतना ही रखा है तो थोड़ा सा प्रास मिलाने के लिए भी करते होंगे तो पीरम अथवा पेरियम तो प्रियतम तो आपके गुण देखे हमने अपने अवगुण देखे और आपके गुण देखे से वे जमारो गेंदे उमेद ए रियम से बेओ जमारो गेंदे तो गेंदे का गेंदे ये नया शब्द है तो बेओ बेओ तो बीत जाना तो जमारो जमाना ये पहले भी आया था समय तो गेंदे तो यही नया शब्द है गेंदे गाते हुए तो आपके आपके गुण देखे इसलिए आपके गुणों को गाते गाते जमारो वे बे, हमारा पूरा समय व्यतीत हुआ मतलब हम आजीवन आपका ही गुण गा रहे हैं उम्मीद ए रियम उम्मीद अब उम्मीद चाह ए रियम तो यह रही तो हम आजीवन आपके गुण गाते रहें यही हमारी चाहना है तो आपके गुण देखें हमारे अप, अपने अवगुण देखें और आपके गुण देखें और आजीवन हम आपके गुण गाते रहें ऐसी चाहना हमारी है तो आप ऐसा ही कर दीजिए इस प्रकार कह रहे हैं तो उम्मेद पुजाइ जे जो नाये सुमार तो तो आप अर्थ में होता है उम्मीद इच्छाएं इच्छाए पुजाइ तो पूर्ण करना तो अब ये अब उसको ना विभक्ति वगैरह तो हमें अर्थ को ऐसे देख करके विभक्ति लगानी पड़ेगी तो उम्मीद पुजाइ तो आपने ये हमारी उम्मीद इच्छाएं पूर्ण की है अभी तक सारी इच्छाएं आपने पूर्ण की है तो आपका गुण गाते रहे वो भी आप पूर्ण करेंगे ये भाव है जे जो नाहे सुमार जे जो तो जिनका नाहे नहीं है सुमार पारा जिनका कोई पारा ही नहीं है तो वे सुमार है आपके सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं आपने ही पूर्ण की है और आप क्या क्या कर सकते हैं उसके उसका तो कोई पारावारी नहीं है ये कहने का तात्पर्य हे तो पाण मंगाइए तो ही डी नार हे तो यह तो हे यह तो आप पाण मंगाइए तो आप तो मंगाने वाले भी स्वयं ही हैं हम आपसे कुछ चाहना रखें और आपसे कुछ मांगें तो मंगवाने वाले भी आप ही हैं और तो ही डीएन आहार देने वाले भी आप ही हैं डी एन एक ही शब्द समझ लें तो चलेगा देने वाले भी आप ही हैं और चाहना हम कुछ मांगे आपसे तो मंगवाने वाले भी आप ही हैं सब कुछ आप ही है लाड़ कोड़ तो हाथ में लाड़ कोड़ तो ये उसके लिए खुशी है चाह खुशी है और प्रेम है तो हमारे अंदर अंदर की अंदर दिल की खुशी है प्रसन्नता और आपके प्रति प्रेम तो तो हाथ में आपके हाथ में संग या तो संग संबंध और सांझाए का तात्पर्य तो पहचान करना तो संग भी आपका ही है हम आपकी अंगनाएं हैं तो ये कह रहे हैं आपका संग संबंध तो आपके अंग हैं तो वो वो आपके आपके ही कारण से आपने ही तो प्रकट किया हमें तुम तो आपके ही अंग है और ये पहचान भी आपने ही करवाई है तो अपने अंगना होने का होने की पहचान भी आपने करवाई है सांजाए पहचान अपने अंग बनाना हो या उसकी पहचान करवाना हो ये सब आपके हाथ में है जड़े तड़े ही दिए जड़े तड़े का मतलब जब कभी जब, जब 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 तब जड़े तड़े जब कभी ही दिए आप ही देते हैं देने वाले आप ही आप ही देते हो बेव कोई न कित आए बेव मतलब दूसरा कोई ना कोई नहीं है कितई कहीं पर वे आए है इस अर्थ में ना ना नहीं और आए है तो आपके अतिरिक्त दूसरा तो कहीं है ही नहीं इसलिए देने वाले भी आप ही हैं जब जब कभी भी हमें जरूरत पड़ती है हमारी आवश्यकता होती है आप ही देते हैं जड़े ने ओड़ड़ा तड़े पैरे डीने लजत जड़े आणी ने ओड़ड़ा ओढ़ा मतलब का तात्पर्य निकट आणी ने ला करके निकट बुला करके जड़े जब जब आप निकट बुलाते हैं तड़े पैरे डिने लज्जत तड़े तब पैरे पैरे पहले ही तो ये भी एक ये नया शब्द समझ लो पैरे पहले ही डिने लज्जत स्वाद दिलाते हैं तो कहने का तात्पर्य क्या है आप हमें निकटता का निकट बुलाते हैं जागृत करेंगे तो पहले उसका स्वाद दिलाते हैं माया में जागृत करके फिर धाम में जागृत करेंगे तो धाम में जागृत कर रहे हैं उससे पहले ही हमें आप उसका धाम का स्वाद भी दिला रहे हैं हे डिन अच्छे सब तो ही जो तो हे है दिनो दिया अच्छे अच्छे आकर कहें अथवा आता है जो भी जिस उसमें भी जहां जो मिलेगा उस तरह से लगाना पड़ता है सब तो जो सब आपका तो कहने का तात्पर्य तो जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो सारा आपका ही दिया हुआ है नो, अच्छे जो कुछ आप देते हैं वही हमें प्राप्त होता है सब तो जो सब आपका ही है मुके बुझाइए सौ भाता मुके मुझे, मुझे बुझाइए समझ में आई समझा दिया सौ भत सौ प्रकार से तो ये बात आपने सौ प्रकार से समझा दिया भली भांति कि देने वाले आप ही आप देते हैं तो ही मुझे मिलता है जी बुझाइए मुंह के दे तो मेहर करे जी बुझाइए मुंह के जी मतलब जिस प्रकार बुझाइए समझाया तो मुंह के तो मुझे तो आपने मुझे जिस प्रकार भी समझाया है जैसे आपने समझ दी है दे तो मेहर करे तो जो जो समझाया और ये ये चीज तुझे चाहिए तो वो सारी वस्तु तो आप ही कृपा करके मुझे दे दीजिए दे का मतलब दीजिए तो आप मेहर करे कृपा करके मुझे दीजिए जे न घूरा तो करने तक आए बेओ परे जे यदि न घूरा तो करने घुरा तो मांगना न घूरा तो करने तो आपसे न मांगे तो करने मतलब आपके पास आपकी ओर ये भी होता है तो अभी यहां आपके पास ही समझना पड़ेगा यदि आपसे आपसे ना मांगू तो को आए बेओ परे को आए कौन है बेओ दूसरा परे आपसे परे का दूसरा कौन है तो आपसे ना मांगू तो किससे मांगू आपसे बढ़ करके तो कोई है ही नहीं ये कहना चाह रहे हे तो देखाई मुंह सिखाई को न घोरा धनी गरे ही तो सिखाई मुखाई हे यह तो मतलब आप तो सिखाई आपने सिखाया मुखाई मैंने सिखा ये भी इतना मैं जो आपको कह रही हूं ये भी आपने सिखाया तभी मैंने सिखा है को न घोरा धनी करे को का तात्पर्य क्यों इस अर्थ में को ना घोरा क्यों ना मांगो धनी गर तो आपसे आप आपसे इस अर्थ में आपके पास से मैं ना मांगूँ तो किससे मांगूँ तो आपने ही सिखाया है जो कुछ भी है तुम्हारे लिए मैं ही हूं तो मैं किससे मांगूँ मुँह थे ही यूँ हजारों हुजतू मुँ थे यूँ यू, तो मुझे आ, ऐसा ये तो मुझे आ, थे यूँ तो बहुत काल में दिया है तो मुझे हुआ हजारों हुज्जत हजारों हुज्जत लाबा तो मैंने तो अनेक बार अधिकार जताया आपके प्रति जड़े तो डिनो संग करे जड़े जब तो डीनो आपने दिया संग संबंध करे तो ये करके तो डिनो तो संग करे तो ये है कि तो डिनो संग करे आपने ही हमारा संबंध मतलब आप हमारे धनी हैं हम आपकी अंगनाए हैं ये संबंध आपने ही समझा दिया है तो इसलिए कि मेरे मन में आपसे मांगने की हजारों मांगने का ना तो मुझे लगा कि मैं ये भी मांग लू वो भी मांग लू तो ये मैं मैं आपसे ही मांगूं तो ये जो अधिकार अथवा दावा करने का भी आपके कारण ही हुआ है तो क्योंकि आपने बता दिया कि तुम तो हमारे अंगनाएं हो इसलिए हमने ये सब अधिकार हम अधिकार पूर्वक मांग रहे हैं ऐसा कहना चाह रहे हैं संगड़ो डीठम बेशक मंझा तो ही जे इलम संगड़ो संबंध डीठम देखा बेशक निश्चित ही हमने आप आपके साथ का संबंध देखा पहचाना मंझा तो ही जे इलम मंझा ये तो बीच में तो ही जे इलम आपके ज्ञान से ही हमें ये आपके ज्ञान के द्वारा ही हमें ये समझ में आई है ये कहना चाह रहे तो चुआ थी हुए तो इसलिए तो चुआ थी कहती हो, हो तु दावा करके कह रहे हूं जे चाहिए तो खसमा तो जो आप कहलाने वाले भी आप ही हैं, तभी हम कह रहे हैं वास्तव में तो अः वैसे हमसे तो बोला भी नहीं जा सकता हाड़े चाह थिए दिए थो दिल के त दिल करे थो चाह हाड़े अब चाह दिए चाह देते हैं चाहना उत्पन्न करवाते हैं दिल के अंदर की चाहना आप ही उत्पन्न करवाते हैं त दिल करे थो चाह तभी दिल चाह करता है मतलब आप चाहना प्रकट करते हैं तभी दिल चाहता है मांगने का भी अपार मिठाइयों तो ये जो आपकी मधुरता का तो कोई पारावार ही नहीं है तो इन जो मिठाइयों अपार आपके मधुरता अपार है ते दिनो तो तो है। तो स्वयं आपने पाण हथाएं अपने हाथ से ते डीनो तो आपने ही तभी दिया तो आप आपने जो कुछ हमें दिया है उसमें उस मिठास में का कोई पारावार ही नहीं आपने अपने हाथों से हमें दिया है महामत चोये मेहबोजी हे सुण ज दिल धरे तो महामती कहते हैं हे मेरे धाम धनी हे सुण ज दिल धरे आप दिल में लेकर के सुने हमारी बात को हृदय पूर्वक श्रवण करें हाड़े हेड़ी डी जमा हिमत हाडे अब हेडी इस प्रकार की डिजम तो दीजिए हिम्मत अब ऐसा सहा दे दीजिए जी लगी रहा गरे जिससे हम आपके घरे आपके गले लगे रह सके तात्पर्य हम आपके सानिध्य का अनुभव कर सके इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण लाल की